हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बीते दिन रानी मुखर्जी ने अपना 46वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस मौके पर रानी मुखर्जी ने पेपराजीज के साथ मिलकर के केक काटा। केक की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है और इसके साथ साथ रानी मुखर्जी के कुछ दिलचस्प किस्से कहानी भी। रानी मुखर्जी अपने आप में ही काफ़ी खास रही, कॉन्ट्रोवर्सियाँ उनके पीछे पीछे लगी रही। रानी की कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी उनके बयानों पर है। वह बात करने वाले हैं आज की रिपोर्ट में रानी की शादी को लेकर। दरअसल रानी मुखर्जी की आदित्य चोपड़ा से शादी क्यों हुई, इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया है। एक्ट्रेस ने बताया है कि आखिर आदित्य चोपड़ा से रानी मुखर्जी ने शादी क्यों की। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि एक्ट्रेस ने अपनी शादी को लेकर के क्या कहा है। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक रही है। रानी ने अपने करियर में तमाम शानदार फिल्में दी और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। प्रोफेशनल लाइफ में बेहद सक्सेसफुल रही रानी, अपनी पर्सनल लाइफ भी खूब एंजॉय करती हैं। रानी ने आदित्य चोपड़ा से शादी की। ये कपल बी टाउन के मोस्ट पॉपुलर जोड़ी में से एक है। शादी को लंबा वक्त हो चला है और हाल में ही रानी ने अपनी शादी को लेकर खुलासा किया कि आखिर किस वजह से उन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी की थी। एक इंटरव्यू के दौरान रानी ने अपने पति की जमकर तारीफ की। रानी ने कहा, मुझे लगता है कि वे रियली में एक अच्छे इंसान हैं और मेरे लिए यही वजह थी। मैं अपने माता पिता के साथ एक ही घर में पली बढ़ी हूँ और मैंने उस तरह के लोगों को महत्व दिया है। मेरी लाइफ में मेरे आसपास अच्छे लोग होना ज़रूरी है क्योंकि मुझे लोगों की रिस्पेक्ट करने की आदत है और ज़रूरत भी, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आदि में जो देखा वो एक बहुत दयालु इंसान है, वो एक अच्छे इंसान है और अपनी टीम के लिए एक ग्रेट लीडर भी हैं। रानी ने आगे कहा कि वे काफ़ी फेयर हैं, अपने रंग के मामले में नहीं बल्कि अपने मोरल और फैसलों के मामले में। आप प्यार से बाहर हो सकते हो और शुरुआती अट्रैक्शन खो सकते हो, लेकिन आप किसी इंसान के लिए वह सम्मान कभी नहीं खोओगे। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था। अगर मैं किसी के करीब रहना चाहती हूँ तो मुझे उसका सम्मान करना होगा। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, मैंने इस इंडस्ट्री में कई सालों तक काम किया, इसलिए अगर इसे इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति होना था तो वह आदि के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था। बता दें, रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से साल 2014 में शादी की थी। इस कपल की एक बेटी आदिरा है। पिछले साल एक्ट्रेस मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में स्पोक पर्सन थी। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि वह साल 2020 में प्रेग्नेंट थी लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया था। उन्होंने खुलासा किया कि 5 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने अपना बच्चा खोया था। वेल, वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस की आखिरी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे थी। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। फिल्म में रानी मुखर्जी ने 2 बच्चों की मां का किरदार निभाया था। इनकी एक्टिंग से इन्हें काफी ज्यादा फेम मिला। तो देखा आपने, रानी मुखर्जी ने अपनी शादी को लेकर के क्या बयान दिया, किस वजह से उन्होंने शादी की। वेल, रानी मुखर्जी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो एक ऐसा वक्त था जब लगातार फिल्में कर रही थी, फिल्में उनकी हिट भी हो रही थी। रानी मुखर्जी ने कभी ऐसी फिल्में नहीं की जो उन्हें पसंद ना आए, चाहे उनकी कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें वो छोटे कपड़े पहनकर ज़्यादा नज़र आ रही हों, चाहे उनकी कोई ऐसी फिल्म जो कि कंट्रोवर्शियल हो। हालांकि कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसकी वजह से उनकी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने बच कर काम करने की कोशिश की और रानी उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार होती हैं। रानी मुखर्जी की पहली फिल्म ही हिट थी और उन्होंने राजा की आएगी बारात में ज़बरदस्त तरीके से जो काम किया था उसकी काफ़ी तारीफ हुई थी। उसके बाद रानी मुखर्जी की किस्मत जैसे चमक गई, बैक टू बैक कई सारी फिल्में मिली और आज भले ही रानी एक लंबे अरसे से बॉलीवुड से दूर हैं लेकिन जल्द ही फिल्मों में आ सकती हैं। रानी मुखर्जी की सबसे दमदार फिल्मों में से एक मर्दानी की चर्चा ज़रूर की जा सकती है, जिसमें रानी ने मर्दानी बनकर के जो अदाकारी अपनी दिखाई थी, जो धक्कड़ रूप दिखाया था, वो आज भी उनका काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी लोग उनकी तारीफ करते हैं। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।